खाँ 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 अच्छा जी आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा कि आ, जैसे अल्लाह ने हज़रत आदम को बना दिया और फिर अल्लाह सुबह ने हजरत आदम सलाम को यह भी बता दिया कि आपने क्या करना है यू विलना यू जस्ट टू अस्कार एंड बट उनके लिए एक रिस्ट्रिक्शन अल्लाह सुबह ने दे दी कि आपने उस ट्री को नहीं खाना है, उसके फ्रूट को नहीं खाना है बट वो उसको भूल और उन्होंने बाहर अल्लाह सबा आए और फिर जमीन पर आने के बाद जब अल्लाह सुबह ने उनको माफ किया और माफ करने पे, के बाद वो जब माउंटेन ऑफ मर्सी पे जब वो आपस में मिले तो उसके बाद एप्पी लाइफ ऑन दर्थ बट दे, दे

लेकिन अल्लाह सुबहान तला ने हजरत हजरत आदम इस्लाम की जो औलाद होती थी वो ऐसे होती थी कि ट्विन्स ट्विन्स बेबीज पैदा होते थे वन बॉय एंड वन गर्ल वन बॉय एंड वन गर्ल ठीक है अब जो ट्विन्स होते थे दे वर ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड द सेकंड ट्विन्स दे वर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बट द ट्विन्स वर बोर्न टूगेदर दे कॉन्ट मैरी विद वन एंड अदर एंड फॉर एग्जाम्पल इफ वन ट्विन Uh, twin was born in the morning time and the second twin was born in the evening time. I'm just giving you an example, okay? So the morning one boy can marry with the with the evening one girl, and the evening one boy can marry with the morning one girls, but they cannot marry with one another who were born in twins. So anyhow, Allah subhanahu wa

और जो फार्मर था ही वॉज बेसिकली नॉट ए गुड गुड बॉय ही वॉज जेलस बेसिकली इन हिज हार्ट वही था जो कि um, अपनी सिस्टर के साथ वो वो वही था जो कि अपनी सिस्टर के साथ ही शादी करना चाह रहा था वो शी वॉज हिज ट्विन ट्विन सिस्टर ओके अब उसने क्या किया उसने उसे कल्ला को क्या जरूरत है इस सारी की सारी अच्छी क्रॉप्स की उसने अपनी अच्छी अच्छी क्रॉप्स अपने लिए रख ली और अल्लाह के लिए उसने गंदी गंदी क्रॉप सारी की सारी घास वगैरह इकट्ठी करके अल्लाह के लिए उसने लकड़ी की उस वक्त होता ही था कि जिसको अल्लाह को जिसकी स्रॉप्स और जिसकी कुर्बानी जिसकी सेक्रीफाइस पसंद होती थी इफ आईम फ्रॉम जन्ना एंड देट बॉन्ट ऑल दिफाइफिशल थिंग और ऐसा ही हुआ कि आग आई आसमान से और उसने जो शेपर्ड का जो शीप था अल्लाह सुबहान तला को वो बहुत पसंद आया क्योंकि उसने सबसे अच्छा वाला शीप निकाल के अल्लाह के लिए दिया और उसको आग लगी और वो कम्प्लीटली इट वॉज बर्न ठीक है वो सारा का सारा बर्न हो गया अब जो उसका भाई था उसको तो और हो गई क्यों अल्लाह सब ने इसकी शीप को पसंद किया और अल्लाह ने मेरे शीप को पसंद नहीं किया Oh, शैतान को भी जन्नत से निकाला था वो भी हजरत अलैहिस्सलाम के साथ जमीन पर आया था और शैतान भी जमीन पर आकर इन सब को कोशिश कर रहा था कि इन सब लोगों को जितने भी ये लोग हैं इन सब को अल्लाह के रस्ते से पीछे कर दे और अल्लाह के रस्ते की तरफ नहीं लेकर जाए इनके बीच में लड़ाइयाँ करवाए इन लोगों को सीधे रस्ते पर नहीं जाने दिए अल्लाह की इबादत नहीं करने दें हा उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया खिल Kill, ही oh, उससे पहले किसी की डेथ भी तो नहीं हुई थी ना हजरत आदम अलिस्लाम थे उनके बेटे थे उनकी दो बेटियां थी अब उसके बाद वहां पे अब उनको समझना है अब हम इनके साथ मैं अपने भाई के साथ करूं क्या मैं तो मैंने इसको किल तो कर दिया बट वट टू डू विद दिस डेड बॉडी उसने अपनी डेड बॉडी को पकड़ा भाई कि अब वो परेशान भी था अब क्या होगा ये सब देखेंगे तो क्या हो जाएगा एनी हाउ वो लेके डेड बॉडी कभी इधर भागे कभी उधर भागे उसे समझ ही ना आए क्या हो तेन अल्लाह सुबहान ने दो क्रोज दो

भाई को ऐसे दफन करो फिर उसने भी अपने भाई को ऐसे ही जमीन के अंदर दफन कर दिया एनी हाउ इन शॉर्ट अब इसके बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने लगी हूं अब क्या हुआ कि अब उसने अपने भाई को मार तो दिया अब उसने दफन भी कर दिया हजरत आदमी इस्लाम को जब ये बात पता चली तो डेफिनेटली ही उनको गुस्सा भी आया दुख भी हुआ कि मेरा बेटा शैतान की बात सुनकर उसने अपने भाई का मर्डर कर दिया एनी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने उस बेटे को अपने से अलग कर दिया एरिया वो एक पहाड़ की दूसरी साइड पे चला गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने सारे बच्चों को मना किया कि आपने इस वाले भाई से ताल्लुक नहीं रखना इससे नहीं मिलना बिकॉज ही इज सिनर

कि वो जब अपनी वाइफ के साथ वहां पर चला गया और वो जब उस उस जगह पर वहां पर चला गया तो शैतान ने उसको मजीद इन्वॉल्व किया कि इसके अंदर 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 के सिंस के नदर, गुनाहों के कैसे? अब वो सारा दिन पारी बैठे रहे अल्लाह की तो वो इबादत करते नहीं थे जिक्र भी नहीं करते थे वो क्या करें अब उन्हें शैतान ने कहा क्यों ना एक हम ऐसे करें कि स्टार्ट मेकिंग सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सो so दे स्टार्ट मेकिंग सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स this is how music started can you imagine the first killer on the earth he and his offsprings, they made uh, musical instruments and they started make, uh, singing they started uh, dancing and they started all these things this is how hamari earth per music started look her work हंसते रहे खेलते रहे हमेशा हर वक्त मजाक में रहे उन लोगों ने वहां पे म्यूजिक शुरू किए डांसिंग शुरू किए हर वक्त हंसते रहे हंसते रहे और हजरत आदम इस्लाम ने अपने बच्चों से कहा था कि आपने उस साइड पे नहीं जाना अपने उस भाई से नहीं मिलना क्योंकि वो अब अल्लाह के रस्ते से हट गया है लेकिन शैतान तो उनकी तरफ भी था उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हम शैतान से ना मिले शैतान की बात ना सुने लेकिन एनी हाउ शैतान ने उनको अपनी तरफ ले आया और एक दफा उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जाकर देखें तो सही क्यों इतने खुश होते वाई दे आर सो हैप्पी वाई दे आर लाफिंग ऑल वो अब साइड पे जब गए तो उन्होंने देखा डांसिंग ऑल आर बिजी इन पार्टीज़

हार्टून एनी थिंग ए कमर्शल हाउ सिंफुल कितने गुनाह करते जा रहे हैं ये म्यूजिक से हम खुश नहीं होते हैं हम लोग वी आर नॉट है हमारी हमारे हमारी, हमारी, हमारी साउल जो है इट इज गेटिंग एम थी उसमें से हमारी सारी साउल की खुशी निकलती जा रही है Sometimes हमें बहुत फील होता है ओ oh, मामा ने डांट दिया ओ oh, बाबा ने डांट दिया मामा ने हमें वो चीज नहीं लेकर दी हमने जो कहा था मामा ने हमारी बात नहीं सुनी है Because, ये सारी बातें हमारे जहन में कौन डालता है शैतान इज फुटिंग ऑल दीज इन अवर अवर ब्रेन इन अवर हार्ट बिकॉज शैतान आपको हमेशा ये चाहता है कि आप मायूसी की तरफ जाए वो कभी भी आपको सही रस्ते पे नहीं लेके जाता है दिस वॉज आई जिटिल विंट्रोडक्शन अबाउट म्यूजिक आई होप सो कि अगर आज तक आप बच्चे म्यूजिक सुन रहे थे और अपनी लाइफ में आप म्यूजिक सुनते हैं तो आज से कोशिश करेंगे कि म्यूजिक को अपनी लाइफ में से बहुत कम कर दें खत्म कर दें कम करने के बाद बिल्कुल कम्प्लीटली फिनिश इट ऑफ दिस इज नॉट अ गुड थिंग ये आपकी अच्छी और गुड डीट्स को खत्म कर रहा है अगर आप आज तक सुन रहे थे जस्ट लीव इट क्यों क्योंकि दिस इज दिस जो म्यूजिक है ये इन्वेंशन है उन लोगों की जो कि अल्लाह स इस दुनिया पर सबसे बड़े नाफरमान लोग थे उन लोगों की अगर हम ये म्यूजिक को सुन रहे हैं तो इट मीनस कि वी आर द फॉलोअर ऑफ पीपल एंड नॉट ओनली द द फॉलोअर फॉलोअर ऑफ ऑफ पीपल वी आर शैतान क्योंकि शैतान म्यूजिक को बहुत पसंद करता है म्यूजिक उसके लिए ऐसा है जैसे हम इबादत करते हैं हम अल्लाह के सामने हर वक्त सजदे कर रहे हैं नमाज पढ़ रहे हैं वो शैतान की अब इबादत जो है वो म्यूजिक है अब आप सोचें कि आपने फॉलो करना है शैतान को या हमने फॉलो करना है अल्लाह सुबहान चले जी ये बात हो गई हमारी उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या हुआ कि अब हजरत आदमी Name apni bachon ko bata diya ki Allah subhanahu wa ta'ala Kyunki Hazrat Adam alayhi salam ne wo saara kush dekha tha Kis taha se unho jab uh, Allah ke naa ki Aur Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah subhanahu wa ta'ala expelled him from Jannah And he came down on earth So definitely unho ne bohs jaisi apni aankho se dekhi thi unhune, wo, uh, This is how he can explain everything uh, in words to his offsprings As we cannot Because we haven't seen anything with our eyes But we read everything in Qur'an उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से बताया कि देखो जिन्नत ये है, हैगल एंड एंड लाइफ इज नॉट फॉर फॉर एवर ये लाइफ हमारी कभी ना कभी खत्म होगी अगर आप थाउजेंड ईयर्स भी जिंदा रहोगे टू थाउजेंड ईयर्स भी जिंदा रहोगे फाइव थाउजेंड ईयर्स भी जिंदा रहोगे बट टू बॉडी उनके ऑफस्प्रिंग से बात सुनी उन्होंने अल्लाह की इबादत भी करने करते रहे लेकिन आफ्टर सम टाइम जब बिन हजरत आदम अल इस्लाम डाइड वो मर गए फिर उनके आगे जब ऑफस्प्रिंग्स आए उनके जब बच्चे आए उनमें से कुछ लोग ऐसे थे वो वर वेरी फायस कुरान में अल्लाह सुबहान तला ने उनका नाम बताया है कि याऊक उनका नाम है जी याऊक नसरो एंड

अपने बच्चों को डराया कि देखो अल्लाह सही करनी है हमने सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है अल्लाह से मांगना है जो कुछ भी मांगना है अब जब इन लोगों की भी डेथ हो गई अब क्या हुआ कि वो लोग जितने भी उनके आगे बच्चे थे और जो उनके साथ रहने वाले थे वो परेशान हो गए कि अब ये तो चले गए अब हमें कौन बताएगा अल्लाह के बारे में कहीं ऐसा ना हम भूल ही जाए अल्ला की अल्लाह की इबादत कैसे करनी है हमें अल्लाह का जिक्र कैसे करना है हमें अल्लाह की इबादत करनी है हमने और किसी को नहीं किसी और की इबादत नहीं करनी है अब उन लोगों ने क्या किया दिट स्टैचूस ऑफ दिपल वो वर्ड पीपल वो वर्ड वो वर्ड इस्लाम स्टैचूस स्टैचूज बना के जहाँ पे वो बैठ के इबादत करते थे ना वहां पे वो रख लेते थे, थे अपने सामने अब उन स्टैचूज को बैठ के वो वहां पे रखा हुआ होता था आफ्टर सम टाइम जिन लोगों ने उन स्टैचूज को बनाया था जब उनकी भी डेथ हो गई उनके बच्चे सोचते थे कि शायद हमारे जो पेरेंट्स हैं वो तो इन स्टैचूज की इबादत करते थे उन्हें तो पता ही नहीं था कि अल्लाह भी कोई है ओ ये क्या हो गया सबके सब जितने भी लोग थे वो सब अल्लाह को भूल गए एंड दे वर थिंकिंग दीज आर द स्टैचूज हु गिव अस एवरीथिंग एंड वी हैव टू वर्शिप दीज स्टैचूज दीज आइडल्स ओ माय गॉड ये क्या हो गया सब के सब लोगों ने फिर उन स्टैचूज की इबादत करना शुरू कर दी दे बोर्ड इन फ्रंट ऑफ दोज आइडल्स एंड दे आस्क एवरीथिंग फ्रॉम दोज आइडल्स उन्हें मालूम ही नहीं था कि ये स्टैचूज तो हम लोगों ने इसलिए बनाए थे ताकि हम हमें इनको देखकर हमें याद आए कि हाँ हमने अल्लाह की इबादत करनी है हमने अल्लाह को क्योंकि उनके पास कोई बुक नहीं थे हमारे पास तो कुरान है ना हम कुरान पढ़ते हैं हमें समझ आ जाती है कि ठीक है हमारे पास कुरान है उनके पास तो कुछ भी नहीं था डोंट हैव एनीथिंग इन फॉर्म उनके वो जो लोग बताने वाले थे अल्लाह के बारे में वो भी चले गए अब वो सिर्फ स्टैचूज रह गए अब उनको यही समझ आई कि हमारे सामने है हमने इनकी इबादत करनी है इन स्टैचूज की अब ये बहुत सारा टाइम गुजर गया लोग कम्प्लीटली कम्प्लीटली दे ऑल द पीपल कम्प्लीटली फॉर अबाउट अल्लाह से बहुत टाइम गुजर गया अब क्या हुआ कि फॉर द फर्स्ट टाइम Allah subhanahu wa ta'ala when in all over the world not a single man was muslim not a single man was a worshipper of Allah subhanahu wa ta'ala so Allah subhanahu wa ta'ala at that time when no islam came in, the, in this world and he started preaching the people about Allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala ke preach karna and nobody listened to him this was the first time, this was the first time Allah subhanahu wa ta'ala punished human beings. Just some number of people were Muslims, not more than 90 or 100 people. They were just Muslims. He preached about Islam about 950 years. Can you imagine?

एक इतनी बड़ी सी उन्होंने शिप बनाई और फिर सारी की सारी अल्लाह ने ने सुबह वन, वन अच्छा, मुझे एक बात तो बताएं आप सब लोग कि अब वहां पे हजरत आगे हम लोग इसको मैं बताऊंगी आपको लेकिन एक क्वेश्चन में जहन में आया है कि अब वहां पे अगर हजरत अनूसलाम ने एनिमल्स का एक एक पेयर रख दिया तो डेफिनेटली वहां पे लायन भी हुआ होगा और वहां पे और भी एनिमल्स हुए होंगे तो क्या लायन ने गोट्स को खाया नहीं होगा कि क्या हुआ वो विल आंसर में यस आमना यस बच्चे आमना अल्लाह ताला की अल्लाह ताला ने करा था क्या करा था अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने दिखाया था कि मैं ये सब कर सकता हूँ अल्लाह ताला ने तो, हुक्म दिया था उनको हम्म क्या हुक्म दिया था उनको कि कि uh, अपने अपने शिप में इतना बड़ा बनाना आ, एक, जए, एक, एक एक yes, maşallah, कि एक एक उसमें बर्ड्स होंगे एक उसमें एनिमल्स एक उसमें इंसान यस माशाल्लाह बारिक लफी एंड दिस इज हाउ एनिमल्स डिडंट ईट एनीवन उन्होंने किसी दूसरे को नहीं खाया बल्कि इट वाज फ्रॉम अल्लाह सुभान व तआला अल्लाह सुभान व तआला ऐसा भी पॉसिबल है इन सम बुक्स व्हाट इज इन सम बुक्स इट इज रिटन दैट अल्लाह सुभान व तआला ने उन एनिमल्स को कुछ ऐसी uh, they were just sleeping and they were feeling lazy and they can't just stand and they they don't feel hungry at that time uh, for for the for the days when they were in the uh, when they were in in the ship okay so that's so this was uh, what i was saying mm -hmm. actually <laughs> ओके okay, जी ये हुआ उसके बाद क्या हुआ कि जिसकी भी वन सेकंड प्लेज अच्छा जी ये हुआ और अल्लाह सुबहान तला ने इस तरह से हजरत आदम हजरत नूह नूसलाम को पिक्चर को आपका आप आपका सोनी अभी वो म्यूटेड जी बेटे बेटे मैंने म्यूट किया था एक सेकंड प्लीज सॉरी माय फादर वाज हियर नहीं बेटे ओके okay जी हम लोग कहाँ पर बात कर रहे थे हम लोग थे कि हजरत नू अलैहिस्सलाम की बात कर रहे थे फिर अल्लाह सुबहानहु ताला ने हजरत नू अलैहिस्सलाम जी बच्चे मैम जब आदम सलाम इंतकाल हो गए तो हुँ। उनके बच्चे ने क्या बोलते मीन्स वो मूर्ति को लगा रखा ताकि उनको याद रहे कि अल्लाह फिर जब वो इंतकाल कर गए तब उनके जो बच्चे उनने मूर्ति को प्रे करना स्टार्ट किया जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था ऐसा ही हुआ था क्योंकि जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा था ना कि ये मूर्ति तो इसलिए है क्योंकि ये मूर्ति तो हमें सिर्फ याद कराती है कि कि इन्होंने हमें बताया था अल्लाह अल्लाह एंड वी हैव टू लेकिन जब उन लोगों की डेथ होगी जिन लोगों ने उन मूर्ति को बनाया था तो उन सब लोगों ने फिर उन मूर्तियों की करना शुरू कर दी ठीक है जी बिल्कुल अल्लाह सुबहाना ने उनसे कहा था कि आप एक बहुत बड़ी सी शिप बनाई और इतनी बड़ी शिप हो कि उसमें सारे के सारे सारे uh, uh, सारे के के जो लोग वो 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 अब फिर जब ये तो ने को ये अल्लाह ने हज़रत को बता दिया था कि तूफान कैसे आएगा वो ऐसे आएगा उन्होंने कहा कि तुम्हारे आपके घर के अंदर जिस चूल्हे से वो खाना बनाते हैं ना वहां से पानी निकलना शुरू हो जाएगा प्लीज बेटा, से पानी निकलना शुरू हुआ तो हज़त आदव, हज़त को समझ आ गई की अब अल्लाह का तूफान आने वाला है नो अलिश दे सब लोगों को जो अच्छे लोग थे जिन्होंने बात सुन ली हजरत की चलते हैं और उन सब लोगों को लेकर शिप पर चले गए और अल्लाह सुबहान बेटे से भी हजरत ने कहा था कि अपने सताजो उसने कहा नहीं जब बारिश होगी जब अल्लाह का तूफान आएगा बारिश तो शुरू हो गई थी लेकिन जब अल्लाह सुबह हम फिर तूफान भेजेंगे तो हम पहाड़ की सबसे ऊंचे वाले पहाड़ पर चढ़ जाएंगे तो यू खान सेव अस Um, one one oh, yes, बारिकलानी हो बारिश बहुत ज्यादा शुरू हो गई पहले तो लोगों को लगा ये तो थोड़ी सी बारिश है वो बारिश हो गई ना आपको पता है अल्लाह सब ने ऑर्डर किया आसमान को कि बारिश जो है वो आसमान से ऐसे आ रही थी हमने देखा है बारिश जो पाती है ना आसमान से वो कितनी भी हैवी बारिश हो कितनी भी हैवी रेनफॉल हो इट ऑलवेज इन ड्रॉप्स रेन ड्रॉप्स होते हैं छोटे छोटे से कतरे होते हैं ठीक है दे कैन बी बिग इन साइज दे कैन बी स्मॉल इन साइज बट इट विल ऑलवेज इन इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स लेकिन वो जो अल्लाह सुबहान ताला की तरफ से एक तूफान आया था अल्लाह सुबहान तला ने ऑर्डर किया कि आसमान से बारिश नहीं थी बल्कि इट वाज लाइक द लाइक द रिवर्स आर फ्लोइंग थ्रू द स्काई कैन यू इमेजिन दैट अल्लाह सुबह ऑर्डर्ड द अर्थ कि जमीन में अमीन अपना पानी निकालना शुरू कर दो अल्लाह कैन यू इमेजिन दैट थिंग सारी की सारी जमीन से पानी निकलना शुरू हो गया जो समंदर थे उन्होंने अपना पानी ऊपर चढ़ा लिया आसमान से मुसलसल बारिश that was not the rain that was like the river is flowing through the sky it was that can you imagine this thing how hard that that river, was that river mein se bhi pani aa raha tha aur um, sky mein se bhi aa rahe se, uh, the बिल्कुल रिवर्स में से आपके सीज में से जो आपके समंदर हैं उनमें से आपके ऑशंस में से और आसमान से तो मुसलसल पानी दैट वाज नॉट द रेन ड्रॉप्स

आसमान पे ना सूरज भी नहीं था नजर भी नहीं आ रहा था उनको दे वाज कंप्लीटली डार्क ऑल ओवर द वर्ल्ड इन सम बुक्स इट इट इज इट इज रिटन इन सम बुक्स कि वो पूरी दुनिया में आया था तूफान कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि वो इट वाज इन सम प्लेसेस ऑफ द अर्थ अल्लाह नोज़ बेटर कि वो कहां-कहां तक आया था बट बहुत हेवी तूफान था वो अब एक छोटी सी बात जी जी वो पानी जब अल्लाह परसाए वो वो पहाड़ों के ऊपर तक गया बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर तक भी गया और वो पहाड़ों के ऊपर तक इतना गया कि पहाड़ सारे के सारे छुप गए और वो एक पहाड़ पर जाके हजरत की जो कश्ती थी वो रुक गई दैट वाज जूदी पहाड़ जो था ना जूदी वहां पर लेकिन कर... जब अल्लाह ने बोले थे कि इन सारे एनिमल्स को ले लीजिए ले लेकिन हुँ? जो वाटर में जो फिश वगैरह थी फिर उनका क्या हुआ फिश को तो कुछ नहीं होता ना बेटे वाटर से पानी जितना भी आ जाए फिश तो नहीं मरेगी ना इट विल स्टे इन द दॉटर ठीक है मसला तो उन लोगों को होता है जो, कि पानी, नहीं रहते। मसला तो होगा ना? जो पानी के अंदर नहीं रह सकते डेफिनेटली दे वो डूब जाएंगे जाएंगे सब मर जाएंगे. तो फिश को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना था मैम रिवर्स एन ओशियंस में सोनामी आया hmm. क्या इट वाज मोर देन दैट सुनामी बेटे सुनामी तो एक थोड़े से एरिया में आता है ना अब यू कैन से दैट सुनामी लाइक like, लेकिन सुनामी में बारिश आसमान से तो बारिश नहीं हो रही थी ना भी उनके आसमान से भी बारिश हो रही थी और रिवर्स और ओशन से भी आ रहा था पानी हर तरफ से पानी ही पानी था, था, था। तो सारे के सारे लोग जो बुरे थे वो सारे के सारे लोग मर गए खत्म हो गए सब के सब अब हजरत सलाम ने प्लीज प्लीज बेटे प्लीज अब हजरत ने अल्लाह से की सद्ला प्लीज म्यूठी बचे ओके okay, तो अब हजरत नू अली इस्लाम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह सुबहान कीजिए कि जब वो तूफान रुक गया जब सारे के सारे लोग मर गए तो हजरत ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह सुबहाना सेव दें। फिर हजरत दजरत नाम ने क्या किया कि वहां पर अपना एक कौवा भेजा क्रोह कि वो कौवा जो है हम समझते ना कव्वा बहुत समझदार है तो हमने वो थर्स्टी क्रो की स्टोरी भी पढ़ी हुई है याद है थर्स्टी खो uh, होता है वो एक पेबल्स लेता है और जग को फिल करता है हम लोग समझते हैं बहुत uh, अकलबंद होता है और बहुत समझदार होता है तो हजरत ने कव्वे को भेजा जाओ जाके देखो जमीन पर कोई पानी खत्म हो गया है या नहीं हुआ है तो कव्वा क्या हुआ वहां पे बहुत सारी चीजें थी तो वहीं पर खाना पीना खाने में बिजी हो गया वापिस नहीं आया दैन हजरत इस्लाम सेंट एन in some books it is written that he sent a pigeon and in some books it is written that he sent a uh, dove okay knows better that word had a stick of green leaves in his uh, in his beak when he returned back So, that's why the area is green now so we can have ट्रीज इन इन दैट इन 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 द वर्ल्ड इन द इन द लैंड तो वो फिर सारे के सारे अपने जहाज से नीचे उतर कर आए देन दे स्टार्ट लिविंग ऑन द अर्थ हम लोग ये सारी बातें कर ली हम मैंने आपको ये पहली बात इसलिए बताई कि दिस वॉज द फोर्स्ट टाइम अल्लाह सब पनिश्ड ह्यूमन बींग्स इससे पहले अल्लाह सब तला ने कभी भी किसी को पनिश नहीं किया था अब ये सारी बातें हो गई अब आप हम लोग आते हैं

लेकिन कुछ अरसे के बाद क्या हुआ फिर उन्होंने वो ही काम शुरू कर दिया बिकॉज अब वो बार बार ये काम क्यों कर रहे थे उन्होंने अपनी इतनी बड़ी पनिशमेंट को अपनी आंखों से देखा था फिर वो सारे के सारे ये काम क्यों कर रहे थे अल्लाह सुबह से अल्लाह सुबह ने शैतान को वो एक पावर दे दी है कि वो हमें हमेशा अच्छे रास्ते से गलत रास्ते पर लेकर जाता है और हमें नहीं मालूम कि शैतान हमें शैतान और उसकी पूरी की -पूरी ट्रूप्स हैं यू नो शैतान है, you know? है वो बिग आर्मी और शैतान के इतने बड़े बड़े जो ट्रूप्स हैं वो हम सबको हमेशा से पावर में लगे हुए है कि हम लोगों को अच्छे रास्ते से हटा दें बट शैतान इज गेटिंग वीक ऑन आस बिकॉज वी आर गेटिंग ओल्ड नाउ अब शैतान का काम हो गया ये तो चलो अल्लाह के रस्ते से हट ही रहे हैं अब इन्होंने तो बहुत सारे गुन गुनाह कर लिए हैं बहुत से सिंस कर लिए हैं बहुत से गलत काम कर लिए हैं बट शैतान इज बिलीव मी शैतान इज वर्किंग वेरी हार्ड ऑन यू गायस यू नो वाई बिकॉज यू आर नॉट सिनफुल यू आर द इनोसेंट वन एंड शैतान wants टू इन्वॉल्व यू ऑल ऑफ यू टू put यू ऑन द wrong वे कैन यू इमेजिन दिस थिंग

So after that time, Kraman khatabin start writing your good deeds and bad deeds. This is why we are here. This is why we are here to work hard for you guys. You know, the kids are the angels, like the angels, because angels are not sinful.

नेक्स्ट टाइम आपका दिल नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम आपकी तबीयत खराब हो जाएगी उससे नेक्स्ट टाइम आप कहेंगे छोड़ो ये तो है ही मुश्किल आई डोंट वॉन्ट टू टेक दिस क्लास देन यू विल लीव द ग्रुप एंड देन शैतान विल सेलिब्रेट इट यू नो पार्टी करेगा उस दिन एक बहुत सी बिग पार्टी कि अब मैंने इस बच्चे को आई विल पुट हिम ऑन द रोंग वे बिलीव मी यू हैव टू फाइट विद शैतान Not only do you have to fight with that, with, with shaitan, but you have to pray for, for, to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, save us from shaitan. We are the weak ones. Allah subhanahu wa ta'ala, save us from shaitan. Then inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will save you. Atiyam look at Ibrahim alayhi salam ki bari make bath kattihim. He background me on patana bita aaplong questions or before reading to Prophet Muhammad, before going to Prophet Muhammad. First of all, we come to know that how. How the killing of the people have started? How music has started? How the idolship has started? How the people start worshipping idols? How they made idols? Then for the first time, how Allah Subhanahu Wa Taala punishes Nual Islam's nation. Itne saal Ab kya imagine kar sakte ki Hazrat Islam ne 950 years he worked very hard for the people and people didn't listen to him.

वो सब भूल गए वापस फिर से अल्लाह को ओ इंसान कितनी जल्दी भूल जाता है ना हर चीज को हम भी तो भूल जाते हैं मूवी देख रहे होते हैं तो छोड़ो मूवी देख लेते हैं बाद में नमाज पढ़ लेंगे ओ अभी हम सो जाते हैं छोड़ो कल कल नमाज पढ़ लेंगे आज कुरान की क्लास मिस कर देते हैं कोई बात नहीं खैर है कोई बात नहीं इतनी बड़ी बात थोड़ी है हमें कौन सा किसी ने डांटना है हम कुरान की क्लास मिस भी कर देंगे हमारी थोड़ी ही हमारे स्कूल में ग्रेड्स कम आएंगे वी विल गेट गुड ग्रेड्स वी विल गेट गुड जॉब्स We'll get good big houses. But believe me, agar Allah humse naaraz ho gaya, we won't get anything in our life. Kyunki all sab cheeze toh Allah ne hume diye hai na. Ye blessings toh Allah ki hai. Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala blessed us with all these things. If we, if we forgot Allah subhanahu wa ta'ala, if we will forget Allah subhanahu wa ta'ala, so Allah subhanahu wa ta'ala will forget us. Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, oh my god what we will do on that day believe me the day of judgment is very horrible i will tell you about the day of judgment inshallah the kids who have done the, the courses with me alhamdulillah they know a lot of things about that but the kids who are new in my class

But the one who associate any, anything with Allah Subhanahu, wa Allah subhanahu wa will not forgive them. First thing, and the second thing, the one who is a disobeyer, dis who is disobeying his parents, Allah subhanahu wa will not look upon them with mercy on the day of judgment. If you parents they they आप उनकी बात को फॉलो नहीं करते हैं तो अल्लाह सुबहान तला आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं जन ऑन द डे ऑफ जजमेंट फिर क्या करेंगे हम लोग फिर तो हम कहीं पर भी नहीं भाग के जा सकते क्या हम कहीं पर भाग के जा सकते हैं क्या इट्स रियली हार्ड आपको लगता है ना कि ओ अगर हम लोग कोई बड़ा सारा गंदा काम कर दें तो बस वही डिसोबीडियंस में आता है नो no! If you will start arguing with your parents, that is also the part of disobedience. We are not allowed to, dis to argue with our parents, my kids. Our parents know what is the best for us, what is, what is bad for us. So it means we are not allowed to disobey our parents. if they are telling us the, things this is your parents these are your parents who who who, uh, uh, who collect you here and who made this uh, thing for you easy and you can come in this class and you can learn the things aapke parents na karte so, to aap log nahi aate yahan par to apne parents ko disobey nahi karna agar aise karenge तो फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा अब बात करते हैं हजरत इब्राहिम के बारे में हजरत इब्राहिम के father का नाम था आजर मैं इसके बारे में भी आपको एक बात बताती हूँ बहुत से लोग हैं वो मुस्लिम बहुत से समझते हैं कि हजरत इब्राहिम के फादर का नाम आजर नहीं था उनके चाचा थे हजरत इब्राहिम के फादर जो है वो मुस्लिम थे के उनके चचा मुस्लिम थे थे जो नॉन मुस्लिम बट इट इज नॉट दैट इट इज रिटन इन कुरान कि हजरत इब्राहिम की जो फादर थे वो आजर थे और वो भूतों को बनाते थे सबसे बड़े वहां पे आप यू कैन सी वहां पे उस एरिया में सबसे बड़ा जो वो जो आइडल्स को बनाने वाला इंसान था ना दैट वाज आजर हज़रत इब्राहिम फादर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अब जब देखा सब लोगों को देखा उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि सारे के सारे लोग जो है कुछ लोग हैं जो सन की पूजा करते हैं कुछ लोग हैं वो चांद की पूजा करते हैं कुछ हैं जो सितारों की पूजा करते हैं कुछ हैं जो इन आइडल्स की पूजा करते हैं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा सोचा कि चलो आज मैं सन की पूजा करके देखता हूँ वो सारा दिन बैठे रहे देखते रहे सन को देखते रहे देखते रहे वो सन जो है वो रात को गायब हो गया अब हजरत आदमत इब्राहिम इस्लाम ने, ने सोचा ओ ये तो रात को होता ही नहीं है फिर रात के टाइम पे कौन काम करेगा ये क्या बात हुई लोग तो समझते थे अच्छा लोग ये समझते थे कि सूरज को जरूरत होती है रेस्ट करने की तो वो रात को चला जाता है रेस्ट करने के लिए अब रात को जो है वो चांद आ जाता है अब हम चांद की इबादत करेंगे जिन लोगों ने रात को इबादत करनी होती तो वो चांद की करते थे जिन लोगों ने इस दिन को करनी होती थी वो सूरज की करते थे इब्राहिम ने सोचा ये क्या बात हुई रात को चांद होता है सुबह वो गायब हो जाता है इट मीन के अलग अलग गॉड्स तो नहीं हो सकते हैं अब आइडल्स का तो उनके मालूम था कि इन्होंने अपने हाथ से बनाए हैं और आइडल्स तो डेफिनेटली वी डेफिनेटलीम क्योंकि क्रिएटर तो वो होता है ना जो आपसे पहले हो और उसने क्रिएट किया हो उस उन आइडल्स को तो हमने खुद क्रिएट किया है हाउ दे कैन क्रिएट अस इट्स नॉट पॉसिबल अब जो आइडल्स की वर्शिपिंग थी वो स्टार्ट वहीं से हुई थी लोगों के जहनों में वो बात थी जो हजरत आदम आदमी के टाइम पे हुई थी लेकिन वो वो भूल गए थे कि वो लोग तो अच्छे लोग थे जो आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुला कर लाते थे अब हजरत इब्राहिम इस्लाम को इल्म था ये बात का कि हमें मेरे जो फादर हैं वो गलत काम कर रहे हैं वो आइडल्स को बना रहे हैं ही इज नॉट वर्शिपर ऑफ वर्शिपान त

कि हज़रत इब्राहिम की बात हम लोग इंशाल्लाह आगे हम इब्राहिम के बाद इंशाल्लाह हम लोग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आएंगे क्योंकि इब्राहिम स्लम को पढ़ना इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनकी अः बहुत सी बातें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है हजरत इब्राहिम के बाद जितने भी प्रॉफिट्स आए थे वो सारे के सारे प्रॉफिट्स हजरत इब्राहिम की ऑफ स्प्रिंग्स मीन उनकी किड्स में से आए थे ठीक है उनके बच्चों में से जी उनके बच्चों में से आए थे ठीक है हजरत इब्राहिम के बच्चों में से हजरत इसहाक इसहाकलाम में से सारे के सारे प्रॉफिट आए हैं लेकिन हजरत इब्राहिम के एक बेटे थे हजरत इसहाक इसहाक़् और दूसरे थे हजरत इस्माईल आम हजरत इस्माईल आलाम वो प्रॉफिट थे जिनके बाद डायरेक्टली जो प्रॉफिट आए थे दैट वाज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

ये इनको देख कर ऐसे पहचान सकते हैं जैसे वो अपने बच्चों को देख कर पहचान लेते हैं क्योंकि अल्लाह अला ने प्रॉफ़िट मोहम्मद के बारे में सब कुछ उनकी बुक्स के अंदर वेरी क्लियरलीट वन दैटिटर ऑफ अल्लाह बट दे आपको मालूम है कि जो क्रिस्टियन हैं वो समझते हैं किसम के बाद प्रॉफिट मोहम्मद वो मानते ही नहीं है कहते हैं प्रॉफिट महमदा आए ही नहीं है लास्ट प्रॉफिट जो थे वो हरतीसा इस्लाम ही थे दिस इज हाउ देइक प्रोफिट मोहम्मद और अल्लाह सुबह ने हज़रत इब्र हज़रत इसहाकाम के बाद जो सारी के सारे प्रॉफिट आए थे वो सारे हजरत इसहाम के बच्चों में से थे और जो हज़रत इसमाइल के बाद जो प्रॉफिट आए थे डायरेक्ट वो हजरत मोहम्मद थे आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट अल्लाह सुबह ने कुरान में बताया है हमें जब भी हजरत इब्राहिम के बारे में बताया है हमेशा ने एक वर्ड यूज किया है हनी फन हज़रत हज़रत इब्राहिम हनी हनीफ़न थे वो दीन के मामले में हमेशा वो अपने सही रस्ते पर रहे ही स्पॉट उन्होंने कोई भी क्वेश्चन किए बगैर अल्लाह की बात को सुन लिया और उनको गुस्सा नहीं आता था गुस्सा नहीं करते थे किसी भी बात पे इसलिए उनको बुजुर्ग वाला बुजुर्गी वाले Uh, रसूल कहा गया है। नेक्स्ट में हम लोग आई आई विल विल जत इब्राहिम एंड इनशाउट मोहम्मद उससे पहले भी थोड़ा सा कुछ रहता है मैं आपको बताऊंगी ये सारी बातें कि uh, हमारे इस्लाम आने से पहले किस तरह से हज हुआ करता था और हज की जो इलाके थे ना वो लोगों ने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे कि ये इलाका आपका है मैदान आपका है मीना आपका है मुजलिफा आपका है और एक और मैं आपको छोटी सी बात बताती वन इन्फॉर्मेशन ठीक है कुरैश जो है वो हजरत हाजरा जो वाइफ थी हजरत इब्राहिम की दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है सब कुछ समझना मालूम होना हज़रत इब्राहिम की वाइफ थी हजरत हाजरा तो हजरत हाजर आलाम जो थी उनकी जो आगे से बच्चे और जो उनकी आगे से पूरी जो लोग वहां पर हिजाज जहाँ पर आज मक्का है, वो जो लोग पैदा हुए और वहां पर रहे उन सबको कुरैश कहा जाता है ठीक है अब वो जो कुरैश है ना बेटा लोग ये समझते थे कि हजरत हाजरा पर ये जो तो हम लोग सही करते हैं बिटवीन सफ़ा एंड मरवा सेवन टाइम्स

कि uh, मुजलफा किसकी कंट्रोल में होता था अगर जब तक वो लोग वो काम ना कर लेते किसी को अलाउ नहीं होता था दिस इज वाई अल्लाह सेंट प्रॉफ़िट मोहम्मद जस्ट उनको लगता था हम किसी का माल जब तक खजर, ले ना ले हम खा ना ले किसी की चीज को उस वक्त वो समझते थे कि हम लोग तो बहुत बुजदिल हैं बहादुरी समझते थे किसी की चीज को खा लेना किसी को मार देना किसी की वाइफ को ले लेना किसी के बच्चे को पकड़ के ले जाना किसी को गुलाम बना लेना ये सब पार्ट ऑफ दर सोसाइटी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ऑल दीज थिंग्स

Yes, Fatima. Fatima, do you have any question, Bachi? You raise your hand. Yes, Fatima. Khadija, if you have any question, you can ask me. Uh -huh. No, I don't have any question. Oh, alhamdulillah. After of. after that uh, new mm -hmm. alayhi salam come and then the that uh, you tell na, that they started worshipping again the Buddha and all, then ma'am, how do you know uh, The first they died now all then they born? So they will listen only to no, Salam now. Then how they started worshipping again that Buddha and all? Because, uh, at that time there was not a communication things. there was no mobile there at that time there was not a, uh, TV there. so there was very hard to communicate with the people. and when the people went to the some uh, rural areas which were not near to uh, nual Islam, ठीक है अब जो लोग उनके पास पास रहते थे इस्लाम के उनको तो मालूम था क्योंकि उनको बार बार बताते रहते थे कि दीन ये है इस्लाम ये है अल्लाह सब ऐसे है ठीक है और अल्लाह सबला ने हमें ये, ये बताया है सब कुछ करने के लिए लेकिन जब लोग बहुत तो ज्यादा दूर दूर चले जाते थे तो उनको तो याद ही नहीं रहता था क्योंकि इंसान बहुत सी बातें जल्दी भूल जाता है इंसान का लफ्स ही ऐसा है नसाया मीन्स भूल जाना इंसान भूल जाता है हर बात को भूल जाता है इवन अगर आप अभी भी देखें बहुत सी बातें आप भूल जाएंगे और इम्पोर्टेंट बात हम क्या होता है कि हम अल्लाह ने हमारे जहनों में एक ऐसी चीज बनाई है कि हम अच्छे कामों को भूल जाते हैं और बुरे काम हमें याद रहते हैं अगर आप अपनी अपनी लाइफ को देखें, अगर आप खुद देखें, आपके कोई फ्रेंड बहुत अच्छा हुआ हो आपके साथ आपका ब्रदर और सिस्टर आपके साथ बहुत नाइस हुआ हो लेकिन उसने एक सौ एक दफ आपके साथ बदतमीजी की होगी ना आपको उसकी वो बदतमीजी याद रहेगी उसका वो बैड बिहेवियर याद रहेगा लेकिन वो जो आपके साथ इतना अच्छा था वो आप भूल जाएंगे ऐसा ही अल्लाह सब ने हमारे जहनों में एक ऐसी ही चीज डाल दी है कि हम लोगों को गुनाह नहीं भूलते हैं जो हमने गुनाह किए होते हैं ना वो हमें बचपन से लेकर हमारी एंड ऑफ लाइफ तक हमें याद रहते हैं लेकिन जो आपने इतनी नेकियां की होती है ना वो हमारे जहन से निकल जाती हैं हमें अल्लाह ने गुनाह इसीलिए याद रखवाए होते हैं ताकि हम उनसे उन गुनाहों के लिए अल्लाह से माफी मांग लें उन गुनाहों को के लिए अल्लाह से तोबा कर लें और वापस अल्लाह की तरफ पलट आए तो इसीलिए जब भी आप दीन की तरफ आते हैं तो शैतान उन चीजों को हमारे लिए बड़ा मुश्किल बना देता है और शैतान वो सब चीजें भुला देता है अगर अभी मैं आपको बता रही हूँ ना बहुत सी चीज़ें मैं बता रही होती हूँ समटाइम मेरे जहन में आ जाती हैं और बहुत सी चीजें मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे जहन से निकल जाती हैं और मैं बहुत कोशिश करती हूँ उनको याद रखने की फिर नहीं याद आती उस वक्त उस टाइम लेकिन थोड़े टाइम बाद याद आ जाती है <coughs> और ये काम किसका होता है शैतान का और मैं पूरी कोशिश जब भी मैं भूलती हूँ तो मैं हमेशा क्या करती हूँ आउज़ बिल्लामन शैतान पढ़ती हूँ तो वो कुछ चीजें मेरे जहन में वापस आ जाती हैं इसलिए अभी आप भी जब भी कुछ भूलें तो आउज बिल्लाम शैतान और पढ़ा करें ताउ पढ़ा करें तो इनशाला इनशाला शैतान आपसे दूर हो जाएगा

आप बेटा ऐसे कीजिएगा मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे मैसेज कर दीजिएगा या फिर मैम शिवा जो है उनको मैसेज कर दीजिएगा इंशाल्लाह शी विल आंसर यू ठीक है ये एनी क्वेश्चन बच्चे नो सादुल्ला है कौन से ये कौन सा बच्चा है मोहम्मद

मैं आपको उसमें ग्रुप में इनशाला शेयर कर देती हूँ ठीक है Okay. मेरे पास आयत लिखी भी है लेकिन आयत नंबर नहीं लिखा हुआ आई विल आई विल लुक ऑन द आई विल सर्च द आयत नंबर देन इनशाला आई विल लेट यू नो ओके बच्चे ठीक uh, okay. है जी क्लास का इंतजाम करते हैं आज की सुबह निकल बच्चे मैम मैं आपको मेरे को कुछ क्वेश्चन था तो मैं आपसे बाद में फोन कर सकती हूँ बेटे मोस्ट ऑफ uh, करती हूँ आप कर लीजिएगा अगर नहीं पिक कर सकी सब बच्चों से राजी हो जाए अल्लाह yeah. आपके वक्त में बहुत सारी yeah. बरकते अदा करे आपके लिए अमल करना बहुत आसान कर दे और अल्लाह से बहुत सारी दुआएं की आप इतने प्यारे प्यारे से मासूम बच्चे यहाँ पर अल्लाह सुबहान तला के बातों को सुनने के लिए आए हैं अल्लाह अपनी जिंदगी को बहुत आसान कर दे और इसका बहुत अच्छा रिवॉर्ड आपको अता करे अल्लाह से दुआ है कि आप सब बच्चे अपने पेरेंट्स को लेकर इकट्ठे जन्नत में दाखिल हों और अल्लाह करी की हम सब मिलकर इकट्ठे जन्नत में दाखिल हों और अल्लाह औरल्ला से हम दुआ है कि आप सबको और हम सबको मेरे बच्चों को आप सबको अल्लाह तला शैतान से महसूस रखिए अल्लाह हम सबको में से किसी को भी शैतान की तरफ ना जाने दें क्योंकि अल्लाह सब जब नाराज़ होते हैं तो उसकी नाराजगी बहुत सख्त है और फिर हम अल्लाह के रस्ते पे वापस नहीं आ सकते अल्लाह हमें अगर एक, एक अच्छे रस्ते की तरफ लेकर आए तो अल्लाह सुबहान तला से दुआ है कि वो हमें कभी भी उस रस्ते से गलत रस्ते पर ना लेकर जाए अल्लाह हमारी हर हर चीज़ को कबूल करें अल्लाह सुबह से दुआ है कि वो कभी भी हमारे अंदर यही चीज़ ना लेकर आए कि वी डोंट वी कि हम लोग को अपने ऊपर प्राउड फील करें शैतान वो था जिसने अपने ऊपर प्राउड फील किया जिसकी वजह से अल्लाह ने उसको जन्नत से निकाला और उसने सबसे बड़ा गुनाह किया कि उसने अल्लाह की बात को नहीं सुना और उसने तदम इस्लाम को सजदा नहीं किया